अब बात बिहार की। अपनी पार्टी की छवि बेहतर बनाने के लिए तेजस्वी यादव ने आरजेडी कोटे के मंत्रियों को कुछ निर्देश दिया है। तेजस्वी की ओर से जारी चिट्ठी में मंत्रियों से नई गाड़ी ना खरीदने, लोगों से शालीनता से बात करने समेत कई अपील की गई है, लेकिन सरकार के एक मंत्री ने तेजस्वी के इस अपील को ताक पर रखते हुए भरी सभा में एक शख्स को गाली दे दी। जीजा जी वाली तस्वीरों पर बवाल हुआ, बीजेपी की ओर से तीखा सवाल हुआ तो आरजेडी ने तस्वीरों पर सफाई दी। तेजस्वी ने मंत्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की। तेजस्वी ने अपनी पार्टी के मंत्रियों से नई गाड़ी ना खरीदने की अपील की है। उम्र में बड़े किसी भी कार्यकर्ता को फिर से पैर ना छूने देने की बात कही है। मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वो शालीनता भरा व्यवहार करें, सरकार के कामकाज का जनता के बीच प्रचार करें, गुलदस्ता फूलों की जगह किताब पेन भेंट करें। पूरी कोशिश यही है कि जनता के बीच आरजेडी की छवि मजबूत हो, पार्टी को भविष्य की सियासत में इस बदलाव का फायदा मिले। लेकिन तेजस्वी यादव की इस अपील का कितना असर है ये आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। भरी सभा में बिहार सरकार के मंत्री गुस्सा दिखाते हैं। गया जिला में जो भी दिक्कत होगा तो ये सारी बात मुख्यमंत्री को बता देंगे, बता भी देंगे और लिखित भी देंगे। जो समस्या है तभी समाधान होगा। आगे और कोई आपके आदेश है, कुछ पूछना है तो बोलिए। मगध प्रमंडल में तो ये तो अच्छा बात रहेगा, उस बिहार आपका फोटो तो समझे सिखारा जसराज जी। गया के सर्किट हाउस में मंत्री सुरेंद्र यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस बीच पास बैठे एक शख्स ने मंत्री जी के कान में कुछ बोलने की कोशिश की तो मंत्री ने अभद्र भाषा में उस शख्स को फटकार लगा दी। गया जिला में जो भी दिक्कत होगा तो ये सारी बात मुख्यमंत्री को बता देंगे, बता भी देंगे और लिखित भी देंगे। जो समस्या है तभी समाधान होगा। काफी लोग जानता है और इस पर इंटरेस्ट नहीं लेता, पर हम इंटरेस्ट लेते हैं। हम नहीं इंटरेस्ट लेते तो हमारा लंबा पारी खेलने का अवसर नहीं पता होता। लंबा पारी खेले हैं इंटरेस्ट ले लेकर और फिर हम इंटरेस्ट इस पर रख लिए हैं। आगे और कोई आपके आदेश है कुछ पूछना है तो बोलिए। मगर प्रमंडल में तो ये तो अच्छा बात रहेगा, उस बिहार आपका फोटो तो समझे जसराज। हालांकि जल्द ही मंत्री को इस गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने वीडियो डिलीट करने का अनुरोध किया, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव की अपील कितना असर दिखाएगी, क्योंकि बिहार में नई सरकार को बीजेपी लगातार निशाने पर ले रही है, आरजेडी के बहाने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेर रही है। बिहार में लॉ ऑर्डर देखिए, सरकार के खनक से, सरकार के तामझाम से, सरकार के रुतबा से ये लॉ ऑर्डर संतुलित रहता है। नीतीश कुमार के खनक समाप्त हो गया है, नीतीश कुमार लाचार हो गए हैं, नीतीश कुमार का गिरोह एक ब्यूरोक्रेसी में बन गया है, वो गिरोह अपने मन से चलाता है, राज भोग रहा है, उसको इस राज्य की जनता से, लॉ एंड ऑर्डर से, नियंत्रण से, विकास से कुछ लेना देना नहीं है। अब तेजस्वी इस छवि को सुधारने की कोशिश में जुट गए हैं, मंत्रियों को समझाने के लिए अपील जारी कर रहे हैं। सुजीत झा, पटना, आज तक।